لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے جو وہ ماسک کا استعمال کرے حضرات مدن سے وہاں گزارش کرنے کہ تم لا کر ماسک جائے گی ماسک ہے چھوٹے بچے ہوں ماسک نہیں چاہیے जो कल की पोजीशन थी आज आप खुद भी देख रहे हैं जो दुकानदार हजरात हैं वो तो 99% से 100% मैंने देखा कि सबको मास्क लगा हुआ लेकिन जो सड़कों पे चलते हैं जो खरीदारी करते हैं वो सारे श्रीनगर के लोग तो सारे हैं नहीं वो तो हर डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं शायद उनको खबर नहीं होती है ठीक से कि शहर में मास्क लगाना नहीं लगाना लेकिन कल से जो आपकी वजह से उनको अवेयरनेस भी हो गई है जब शहर आ जाएं खरीदारी करें तो मास्क ज़रूर साथ लाइएगा लेकिन आज हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है लेकिन ये रोज़ रोज़ निकलना दुकान बंद करना ये अच्छी बात तो है नहीं ना किसी को जुर्माना करना तो ये मौजूद कौन के लिए अलामत नहीं है तो हम चाहेंगे कि एक भी दुकान बंद ना हो एक भी FIR ना हो सब इज्जत से अपनी ज़िंदगी जिए और मास्क लगा के दूसरों की ज़िंदगी साथ अच्छा बर्ताव करें क्योंकि अगर आप पॉजिटिव हैं और मास्क नहीं लगाते तो अंदेशा होता है कि दूसरे को असरअंदाज होने का खतरा होता है इस चीज़ के लिए यही एक रिक्वेस्ट है कि सब लोग एक दूसरे का ख्याल रखें और जो बेसिक एहतियात हैं कोविड के मामले में वो बरतें तो सर अगर देखा जाए यहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा जो तशवीश है ट्रेडर्स कम्युनिटी में देखी जा रही है जब से कल से DC साहब ने बोला कि यहाँ पर हमारा अल्टरनेटिव फिर लॉकडाउन का होगा जबकि ऑलरेडी वी हैव यू नो रनिंग ऑन फाइनेंशियल क्रंच हियर तो आपको लगता है कि लॉकडाउन इज अ सॉल्यूशन डिस्पाइट दैट वी शुड हैव टू एजुकेट ऑल द पीपल रिगार्डिंग द मास्क एंड सैनिटाइजर्स एंड प्रोटोकॉल इवन COVID-19 आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है DC साहब ने फरमाया था उन इलाकों में जहाँ हमारे क्लस्टर निकलते हैं 10 केस या 15 केस वहाँ भी जो हमारा होता है इलाके को सील करना वो बहुत ज़्यादा सख्त होगा बनस्पति जो नॉर्मल सा सीलिंग होता है वो उसने उस कंटेक्स्ट में बोला था लेकिन ये भी लाल चौक जैसा है तो यहाँ ऐसा कोई मसला है नहीं तो आप देख भी सकते हैं किसी को तशवीश की कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन उन्होंने इस कंटेक्स्ट में बताया कि वो फैल ना जाए हम उस सिचुएशन में ना पहुँच जाए इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आज तो हम सेफ हैं लेकिन इस सेफ्टी को बरकरार रखने के लिए थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन सबको करना पड़ेगा तो आज के दौर में अगर सर देखेंगे तो क्या अभी सिचुएशन है कितने केसेस आज दिन में आ रहे हैं सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितना लोग डरे हैं अभी आपको मैं गुजारिश करूंगा लोगों को सबको आप क्योंकि बच्चों का एग्जाम सीजन आने वाला है कॉलेज भी खुल गए अब तो डराना डरने से कोई मसला हल नहीं होता हमें बच्चों की खातिर आजकल ये पैनिक सिचुएशन से दूर रहना चाहिए और बेसिक अगर सब मास्क पहन लें तो सबको नेचुरली सा कुछ फीलिंग लगता है कि हम सेफ हैं लेकिन जब उतार के चले जाएंगे तो थोड़ा डर उससे ही बढ़ जाता है लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है पूरा लाल चौक आप देखेंगे हार्डली कोई आपको नज़र आता है जो मास्क लेकिन चूंकि ये हब है यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट से गाड़ी आती है उतर जाती है जितनी देर दूसरे तीसरे को पता चल जाता है तो वो फर्क नजर आता है अदरवाइज दुकानदार हजरात सारे मास्क पहने आखिरी सवाल है सर कंटेनमेंट ज़ोन्स कितने हैं अभी बताएंगे अभी हमारे तो आई थिंक 96 है 96 इन श्रीनगर अलोन हाँ थैंक यू सर